डियर फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं, और आज के इस वेबिनार के लिए, सॉरी आज के इस फेसबुक लाइव के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। आज का तीसरा दिन अजय शेष लाइव के तहत, तीसरा दिन, मैंने गलती से वेबिनार बोल दिया, एक्चुअली वेबिनार आज शाम को 7:30 बजे है, जहां पर आप इसी वीडियो के साथ में एक लिंक आपको मिल जाएगी, ajayshesh.co/webinar में आप जा करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेबिनार अटेंड करने के लिए मैं एक यहाँ पर आपको दे देता हूं, www.ajayshesh.co/webinar। तो ये अगर मैं, हाँ, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ajayshesh.co/webinar। तो आप इसमें जो है आज शाम के वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आई विल टॉक अबाउट 3 secrets फॉर बिजनेस प्रॉस्पेरिटी। अगर आपके पास अभी कोई टीम नहीं भी है, या अभी अगर आपके पास में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं भी है, तो किस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं बगैर किसी कॉस्टली ट्रेनिंग या कंसल्टेंट्स के। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये फेसबुक लाइव का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है जैसे सूरज के 7 घोड़े होते हैं, उसी प्रकार से 7 horses ऑफ योर बिजनेस, वो 7 घोड़े जो आपके बिजनेसेस को मैनेज करते हैं, जो आपके बिजनेस, किसी भी बिजनेस को जो मैनेज करते हैं। अब बिजनेस का छोटा से छोटा स्वरूप क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस का छोटा से छोटा स्वरूप हो सकता है कि अगर एक पान ठेला है, एक बहुत छोटा बिजनेस, उससे छोटा बिजनेस नहीं होता, या कोई एक रेहड़ी वाला है जो सिंगल वन मैन शो, सिंगल बिजनेस जो है, सिंगल आदमी का एक बिजनेस है, उस बिजनेस में भी ये 7 घोड़े होते हैं जिनके आज मैं बात करने वाला हूं। और अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ड्यूपॉन्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, जॉनसन एंड जॉनसन है, उसके भी, या रिलायंस है, उसके भी ये 7 घोड़े होते हैं, ये 7 basic functions होते हैं। सो दीज आर द 7 basic functions ऑफ एनी कंपनी, और दीज आर द 7 basic departments ऑफ एनी कंपनी और एनी मार्केटिंग और एनी बिजनेस और एनी प्रॉफिट मेकिंग और इवन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग चैरिटी भी है, तो भी उसके ये 7 functions होते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप सब, आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, या आप में से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, या आप में से वो लोग जो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो भी आप इस बात को समझेंगे कि अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो उस जॉब के, वो जो कंपनी जो चल रही है, उसके भी ये 7 घोड़े हैं, ये 7 functions और 7 departments हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये मैं वीडियो क्यों बता रहा हूं, मैं ये वीडियो इसलिए, आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैं इन 7 functions की जानकारी आपको दूं, और ताकि आपको पता चले कि यार मेरी कंपनी में ये पहला फंक्शन जो बताया, ये किस प्रकार से काम कर रहा है और उसमें मेरा योगदान क्या है, ये दूसरा फंक्शन या डिपार्टमेंट में, ये जो मेरी कंपनी की में किस प्रकार से काम कर रहा है और उसमें मेरा योगदान क्या है, क्या हो सकता है, और किस प्रकार से ये 7 घोड़े मिल करके एक कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप एंटरप्रेन्योर है, तो डेफिनेटली एक एक करके आप वो सभी डिपार्टमेंट चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले और आपकी कंपनी तेजी से आगे बढ़े। तो आइए मैं अब अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करके मैं अपने इस यहां पर अपना पावर पॉइंट में मैं आता हूं। तो ये जो है, ये 7 business functions या 7 business functions के बाद में यही 7 business जो है, ये डिपार्टमेंट्स भी हो जाते हैं। आपकी अगर एक छोटी दुकान भी अगर है, या आप एक छोटा बिजनेस भी अगर चला रहे हैं, तो भी ये 7 functions है, भले ये 7ों functions अभी आप ही कर रहे हैं। मेरा बताने का उद्देश्य है कि ये 7 functions किस प्रकार से आप इंप्रूव करें। आप अपने बिजनेस के बारे में जब सोचे, तो इन फंक्शंस के रूप में सोचे। जब आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के बारे में सोचे, तो इनमें से कौन से फंक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, या कौन से फंक्शन में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो सोच करके उस हिसाब से आप आगे बढ़े। तो आइए एक एक करके हम इन सभी फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन होता है सेल्स। सेल्स जो है, यानी सेलिंग। सेलिंग का मतलब एक्चुअल जहां पर सेवाएं दी जाती हैं, या माल या गुड्स दिए जाते हैं, सामान दिया जाता है, और
पैसा लिया जाता है। तो जहां पर सामान और पैसे का लेन देन जिस डिपार्टमेंट में होता है उसको सेल्स, कुछ कंपनियों में, कुछ बिजनेसेस में सेल्स की एक पूरी टीम होती है जो जा जा करके बेचती है, करेक्ट है, वो जाके बेचते हैं या जो है वो जा जा करके बेचते हैं, सेलिंग के लिए प्रेरित करते हैं, चीजों के नॉलेज देते हैं सो दैट कस्टमर्स उनको खरीद सकें, सेल्स। तो याद रखिए ये सातों डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट वो होता है जो पैसा बनाता है, एक डिपार्टमेंट वो होता है जो पैसा बनाता है, बाकी सातों डिपार्टमेंट खर्चा है। ये सातों डिपार्टमेंट्स का खर्चा, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, आरएनडी, ये सब का खर्चा इसलिए किया जाता है ताकि अल्टीमेटली सेल्स हो सके। सो ये सातों डिपार्टमेंट खर्चा और सेल्स इज द ओनली डिपार्टमेंट विच मेक्स मनी। तो सेल्स के ऊपर में ध्यान तो होना ही चाहिए, राइट? सो सेल्स। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है मार्केटिंग। अब आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है, राइट? सेलिंग यानी जहां पर एक्चुअल सामान या सेवाओं का देना और पैसों का लेना, आदान प्रदान, ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी जो है वो है सेलिंग। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसकी वजह से सेलिंग संभव हो पाती है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी अपनी कंपनी की जानकारी लोगों तक देना, अपनी सेवाओं की जानकारी लोगों तक देना, अपनी सेवाओं और अपने सामान का जो है, जो प्रोडक्ट है मेरा, उसकी विशेषताएं लोगों तक पहुंचाना सो दैट सेलिंग हो सके। अगर मार्केटिंग नहीं होगी या मार्केट में आपके बारे में किसी को पता ही नहीं, कम्युनिटी में आपकी कंपनी के बारे में किसी को पता ही नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं, आपकी सेवाओं के बारे में किसी को पता ही नहीं, तो सेल्स कहां से होगा? सो इसीलिए मार्केटिंग होगी तब जाकर के सेल्स होगा। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सेल्स बनाए रखने के लिए मार्केटिंग का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजिंग, नहीं, मार्केटिंग एक बहुत गूढ़ विषय है। मार्केटिंग के विषय पे मैं थोड़ी देर के बाद में वापस आऊंगा, ठीक है? सो मार्केटिंग की वजह से सेल्स, तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, कैडबरीज की एड्स आप देखते हैं, नेस्ले की एड्स आप देखते हैं, एप्पल की एड्स आप देखते हैं, सबकी एडवर्टाइजिंग, सबकी मार्केटिंग आज भी आप देखते हैं, है कि नहीं? उनको किसी परिचय का मोहताज है? कैडबरीज किसी परिचय का मोहताज है? नहीं। छोटा बच्चा सबसे पहला कोई शब्द, अगर मार्केट के बारे में पहला शब्द अगर कोई छोटा बच्चा कोई समझता है तो वो है कैडबरीज, क्योंकि कैडबरीज की टॉफी, कैडबरीज की चॉकलेट उसको पसंद आती है। सो बट कैडबरीज का नाम बच्चा बच्चा भी जानता है, बट फिर भी वो मार्केटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। अरे कैडबरी का नाम है इसलिए कैडबरी का सामान बिक ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, मार्केटिंग करना ही पड़ता है। सो दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है हमारी मार्केटिंग। तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड फाइनेंस? अकाउंट्स क्या है और फाइनेंस या फाइनेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल, मैं आज एकदम साधारण सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। उदाहरण के लिए हम एक पान ठेले का ही एग्जांपल लेते हैं। पान ठेले वाले को सेल्स करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। पान ठेले वाला पान बेचता है? यस, बेचता है, ठीक है। पान ठेले वाला मार्केटिंग करता है? यस, मार्केटिंग करता है। पान ठेले वाले ने अपने ऊपर में एक जो बोर्ड लगा दिया, नरेश पान भंडार, वो बोर्ड लगाना ही अपने आप में एक मार्केटिंग का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे ये नरेश पान भंडार है, इसकी जानकारी आने जाने वाले लोगों को मिल रही है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में मिल रही है। पान ठेले वाले जाके बताता है, साहब मेरी सुबह से शाम तक दुकान खुली रहती, इतने इतने तरह के पान मैं बनाता हूं, आपको घर पहुंच सेवा दे सकता हूं, ये दे सकता हूं। मार्केटिंग वो करता है, जब वो मार्केटिंग करता है तो उसकी सेलिंग होती है। एक पान ठेले वाले को क्या अकाउंट्स रखने पड़ते हैं? क्या उसको पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है? कितने का पान खरीदा, कितने का कत्था खरीदा, कितने का चूना खरीदा, ये सब, ये जो मैं बता रहा हूं, मैं पान ठेले का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन आपको अपने धंधे के हिसाब से भी, आपको अपने धंधे के हिसाब से भी इसको सोचना है कि आपके धंधे में ये अकाउंट्स कैसे लागू होता है। तो पान ठेले वाला भी सबका हिसाब रखता है, टोटल कितने पान बिके, तो कुल मिलाकर के कितनी आई हुई, और कुल मिलाकर के आज कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, और कुल मिला के प्रॉफिट कैलकुलेशन। सो अकाउंट्स और फाइनेंस में यही फर्क है कि जो चालू खाता है उसको हम कहते हैं अकाउंट्स, जो पैसा आ गया कंपनी में, जो पैसा कंपनी में आ गया उसका हिसाब किताब रखना,
जो पैसा कंपनी से गया यानी जो इन्वेस्ट किया, जो सामान खरीदा, जो लागत आई, वो लागत और इनकम का हिसाब किताब करके जो धंधा हो चुका उसकी लागत और इसका एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक पिन तक का भी खर्चा हुआ तो उसका हिसाब रख करके फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेशन तक जाना, या अगर लॉस हुआ है तो लॉस कैलकुलेशन तक जाना इज अकाउंट्स। एक पान ठेले वाला भी ये करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये करती, बड़ी बड़ी कंपनियों का पूरा एक अकाउंट्स की बिल्डिंग पूरी हो सकती है। तो फिर फाइनेंस क्या है? फाइनेंस यानी, मैं फिर आपको बताता हूं, अकाउंट, अकाउंट्स यानी जो धंधा हो चुका उसके खर्चे, इनकम और प्रॉफिट का सूक्ष्म से सूक्ष्म हिसाब रखना इज अकाउंट्स। फाइनेंस, जो धंधा मैं बढ़ाना चाहता हूं, जो मैं इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में अट्रैक्ट करना चाहता हूं, अगर मैं लोन चाहता हूं जिससे मेरा धंधा बढ़ सके, अगर मैं ऐसी कोई मशीन लेना चाहता हूं जिससे मेरा धंधा बढ़ सके, ठीक है, मैं ऐसी कोई सर्विसेज, मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहता हूं जो कि बहुत महंगा है जिससे मेरी सर्विसेज जो है वो बढ़ सके, इसके लिए जो पैसा मैंने कमाया नहीं वो पैसा अरेंज करना जिससे मैं अपने धंधे को बढ़ा सकूं इज फाइनेंस। हम बोलते हैं ना यार, अपने धंधे में दो ट्रक फाइनेंस किया हूं, मतलब ये वो पैसा है जो अभी मेरे पास नहीं है, वो पैसा मैंने अरेंज किया है, वो लोन के रूप में हो सकता है, वो मैं किसी को बोल सकता हूं मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो फाइनेंस यानी वो पैसा जो मैं चाहता हूं कि बैंक मुझ में इन्वेस्ट करे, वो मैं फंड रेज करना चाहता हूं जिससे मैं अपने धंधे को बढ़ा सकूं, ये होता है फाइनेंस। जो धंधा बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए, जो धंधा हो चुका उसका हिसाब किताब रखना इज अकाउंट्स। तो ये आपकी कंपनी में अकाउंट्स और फाइनेंस। एक पान ठेले वाले को भी फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है कि अपना ठेला बड़ा कर सके, कुछ लाइट्स लगा सके, कुछ और बड़ा सामान रख सके। सो अगेन दिस इज अकाउंट्स एंड फाइनेंस। फिर अगर मैं आगे जाता हूं, सो एच आर का मीनिंग आप लोग बता सकते हैं, आप में से काफियों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं टाइप कर देता हूं, ह्यूमन रिसोर्स। इसको हम बोलते हैं मानव संसाधन। इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉईज या फिर टीम, ये टीम को मैनेज करने वाला ये जो पूरा सिस्टम है ये आता है एचआर में। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो ह्यूमन रिसोर्स ये हमारा हो गया, लोगों को, अच्छे लोगों को कैसे लेना, अच्छे लोगों को कैसे निकालना, अच्छे लोगों को कैसे लेना, उनकी सैलरी कैसे डिसाइड करना, उनकी छुट्टी का डिसाइड करना, उनको कौन से ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये हाँ ये अब सही हुआ। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना, अच्छे लोगों को बना करके कैसे रखना, अच्छे लोगों के लिए जो है वेलफेयर एक्टिविटीज क्या करना कि वो कंपनी में बने रहे, लोगों को ट्रेनिंग कैसे देना जिससे उनकी दक्षता, काम करने की दक्षता बढ़े। तो ये पूरा जो फंक्शन होता है ये ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, पूरा एक मंत्रालय होता है मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकारों का एक पूरा विभाग होता है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्टर होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो ये एचआर हमारी कंपनी में भी होता है। आपका क्या तरीका है अच्छे लोगों को लेने का? मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहता है कि हमेशा दो एक्स्ट्रा लोगों को रखिए, इससे आप उनसे एक्स्ट्रा काम करा सकेंगे, कुछ मार्केटिंग करा सकेंगे, और दूसरा अगर कोई छोड़ के जाता है तो हमारे पास बैकअप भी रहे। तो इस प्रकार से एचआर मैनेज किया जाता है, एचआर की प्लानिंग की जाती है, सब कुछ किया जाता है। एक पान ठेले वाला भी एक लड़के को रख सकता है, रख सकता है कि नहीं रख सकता है? कि भाई तू पान छाट ले, पान धो ले, धुले हुए पान यहाँ पर लेकर आया, ये कत्थे में, कत्थे को बना, इसमें पानी मिला करके इसका कत्थे का वो पाक बना, ठीक है, ये डब्बे सब खोल करके रख यहाँ पर, इसको साफ करके ला। सो ऑल दीज थिंग्स, एक पान ठेले वाला भी एक लड़का, मतलब वो लड़का उसका ह्यूमन रिसोर्स हुआ, ये मैनेज किया जाता है। सो आपके कंपनी में इसका क्या सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या सिस्टम है, इसको प्लीज समझिए। अगला डिपार्टमेंट जिस पे हम आते हैं दैट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशन यानी क्रिया, ऑपरेशन यानी वो हॉस्पिटल वाला, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, वो ऑपरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का अगर मैं इसको साधारण भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं डे टू डे वर्किंग, और डे टू डे वर्किंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस यानी डे टू डे वर्किंग।
ऑपरेशंस यानी डे टू डे वर्किंग, यानी अगर कस्टमर आता है तो कस्टमर के रिसेप्शन में सबसे पहले क्या होगा, फिर रिसेप्शन में जब वो बात होगी तो कस्टमर को कहाँ पे भेजा जाएगा, उसके बाद में कस्टमर का क्या किया जाएगा, फिर उसको सामान दिखाया जाएगा, उसके बाद में वो अपना सामान पसंद करेगा तो कितनी क्वांटिटी में वो सामान है वो डिसाइड किया जाएगा, कस्टमर को ये बताया जाएगा कि ये सामान कितने का है, उसके पास अलग अलग चॉइसेस क्या है, ये अगर कस्टमर को महंगा पड़ रहा है तो दूसरे क्या चॉइसेस देगा, स्टेप ए में क्या करना है, बी में क्या करना है, सी में क्या करना है, डी में क्या करना है, ये सब जब मैं डिसाइड कर लेता हूं तो इसको कहा जाता है SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का होना इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। याद रखिए आपकी कंपनी में भी एक SOP अभी चल रहा है, द ओनली डिफरेंस इज वो लिखा हुआ नहीं है, आपके कंपनी में भी एक काम करने का तरीका है, बट द थिंग इज काम करने का तरीका पर्सन पे डिपेंडेंट है, सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी व्यक्ति ने जैसा कर दिया, आपने जैसा कह दिया तो उस हिसाब से काम हो रहा है, इसीलिए जब आप नहीं रहते तब काम नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि सिस्टम्स नहीं इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। तो ये ऑपरेशंस जो है ये सिस्टम्स डिपेंडेंट होना चाहिए, ये ऑपरेशंस को जब एक कागज में लिख लिया जाता है, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को, हर डिपार्टमेंट की स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को एक जब लिख लिया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, सो आपने सेल्स, आपने मार्केटिंग बहुत कर ली, आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ठीक अगर नहीं है, कोई एम्प्लॉई रहता है तो कस्टमर खुश होके जाता है, कोई एम्प्लॉई दूसरा एम्प्लॉई है तो कस्टमर खुश नहीं हो रहा है, आप हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, आप नहीं है उस दिन दुकान में तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब आपके ऑपरेशंस में गड़बड़ी है, आपके ऑपरेशंस को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है ताकि ड्यूटी पर कोई भी रहे सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिले। आप में से कई लोग कॉफी हाउस में जाते होंगे, ठीक है, कॉफी हाउस में जब आप जाते हैं तब आपको पता है कि खाने का स्वाद क्या रहेगा, खाने की क्वालिटी क्या रहेगी, हर बार एग्जैक्टली वही क्वालिटी मिलती है, मैनेजर कोई भी रहे, बैरा कोई भी रहे, किचन में शेफ कोई भी रहे, सेम क्वालिटी मिलती है, क्यों, बिकॉज कंपनीज लाइक इंडियन कॉफी हाउस, कंपनीज लाइक मैकडोनाल्ड्स, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग SOP, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन, डे टू डे वर्किंग बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, राइट right? सो ये एक डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशंस का। तो अभी तक हमने बात की सेल्स की, बात की हमने मार्केटिंग की, बात की हमने सबसे पहले सेल्स की बात की, उसके बाद हमने मार्केटिंग की बात की, अकाउंट्स और फाइनेंस की बात की, ह्यूमन रिसोर्स की बात की, और अब हमने ऑपरेशंस वाले डिपार्टमेंट की बात की। तो 1, 2, 3, 4, 5 सूरज के 5 घोड़ों की हमने बात कर ली है, हमने उन 5 इंजिन्स की बात कर ली है जिससे आपका धंधा या कोई भी धंधा चलता है। अगला जो है That is R&D. R&D मतलब आप में से कोई बता सकता है What is R&D? जो नहीं बता सकते उनके लिए मैं लिख देता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। हम सब और बेहतर करना चाहते हैं, राइट right? आज अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कल को हम और बेहतर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आज हम अगर कोई सेवाएं दे रहे हैं और बेहतर सेवाएं देना चाहते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ये मतलब नहीं है कि कुछ लैबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है, नो दैट इज नॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लैबोरेटरी में रिसर्च जो हमको लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी जो दवाई कंपनियां कोई रिसर्च करके नई या नई दवाई बनाती हैं या किसी कंपनी में लैबोरेटरी में काम चल रहा है, नहीं, आपके लिए लैबोरेटरी आपका बिजनेस ही आपकी लैबोरेटरी है। अगर आप हेयर ऑयल बनाते हैं तो और बेहतर हेयर ऑयल कैसे बन सके, ये आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप बिस्किट्स बनाते हैं, अगर आप बेकरी आइटम्स बनाते हैं, और बेहतर बेकरी आइटम्स कैसे आप बना सकते हैं, और तेजी से आप बेकरी आइटम्स कैसे बना सकते हैं, ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। और बेहतर स्वाद कैसे बना सकते हैं, कस्टमर की डिमांड को और बेहतर ढंग से कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बलबूते ही आप ग्रो करते हैं, आप और बेहतर सेवाएं देते हैं, आप और बेहतर प्रोडक्ट्स देते हैं, और हम सब अपनी अपनी कंपनी में और बेहतर प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं कि नहीं। सो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट घोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये एक डिपार्टमेंट होता है। अब आपको सोचना है आपकी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला जो एक कहे 1, 2, 3, 4 और अगला एक जो डिपार्टमेंट होता है जिसकी मैं आपको अभी बात करना चाहता था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। एक जो डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं एडमिन डिपार्टमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कौन से ओहदे पे कौन बैठेगा,
सबसे ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने धंधे के मालिक हैं तो सबसे ऊपर आप है, फिर आपका एक सीनियर मैनेजर है, उस मैनेजर के नीचे तीन अलग अलग जूनियर मैनेजर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर्स के नीचे दो दो तीन तीन के एम्प्लॉयज है, जो पूरी टीम है आपकी, ये टीम आपकी ऊपर से नीचे तक किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन ट्री बनता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ट्री जो बनता है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसकी बात मानेगा, कौन किसको आदेश दे सकता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर ओहदे पर, हर डेजिग्नेशन में। ठीक है, आप अगर अपने बिजनेस के टॉप पर हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ अधिकार हैं, फिर आपके नीचे जो सीनियर मैनेजर है उसके कुछ अधिकार हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी, कौन क्या काम करेगा, किस प्रकार से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का चलेगा, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, राइट। और इस तरीके से ये सात डिपार्टमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि ये सात डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, आपके कंपनी में सेल्स कैसे चल रहा है, या अगर आप कोई कंपनी खोलेंगे तो उसमें सेलिंग किस प्रकार से होगी, मार्केटिंग किस प्रकार से होगी, कौन इसका काम संभालेगा, अकाउंटिंग का काम कौन संभालेगा, और वो अकाउंटिंग का काम करने के बाद वो सही हुआ कि नहीं हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा, फाइनेंस का हमारा काम किस प्रकार से चलेगा, लोग ट्रेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कैसे आप तय करेंगे। ये सब फंक्शंस जब सही ढंग से चलते हैं तो एक कंपनी तेजी से आगे बढ़ती है, ये सात चक्के हैं, ये सात इंजिन हैं जिससे कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है। आइए, मैंने कहा था कि मार्केटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एंड इंडीड मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो इसके पहले कि हम मार्केटिंग की बात करें, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। दैट कहा जाता है कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कोई डिपार्टमेंट है तो वो है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि मार्केटिंग से ही हमारी कंपनी की जानकारी दूसरों को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी मैं ये फेसबुक लाइव पे जा रहा हूं तो क्यों, एक तरीके से मैं भी मार्केटिंग कर रहा हूं ताकि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं, एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर मैं आपको कैसे गाइडेंस कर सकता हूं, मैं एक सैंपल दे रहा हूं यहां पर ताकि आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो मार्केटिंग इज, हम सब मार्केटर्स ही होते हैं। एक छोटा बच्चा भी जोर जोर से रोता है ताकि उसकी जानकारी मिल सके कि भाई मैं भूखा हूं, मुझे दूध पिलाओ या मुझे कुछ दो खाने के लिए, राइट। सो मार्केटिंग, हम सब मार्केटर्स होते हैं, और मार्केटिंग सिर्फ बाजार में ही नहीं की जाती, राइट। एक लड़का जिसको कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ जाती है, उस लड़के को अपने आप को मार्केट करना होगा ताकि उस लड़की को एहसास दिलाया जा सके कि वो उसके लिए सबसे सुयोग्य व्यक्ति है। उसको अपनी क्वालिटीज किसी न किसी रूप में बतानी पड़ेगी, अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किसी न किसी रूप में दिखाना पड़ेगा ताकि उसको जो चाहिए वो मिल सके। मार्केटिंग यानी वो एक्टिविटीज करना जिससे मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल सके। तो मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केटिंग अगर सही हो गई तो सेल्स अच्छे से हो ही जाएगा। इसीलिए मैं चाहता था कि मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताऊं। तो आइए, मैं एक बार फिर से अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और यहाँ पर आते हैं। एवरीवन इज अ मार्केटर, और जो करंट फोकस जो आपका होना चाहिए वो हमेशा मार्केटिंग की तरफ ही होना चाहिए। मार्केटिंग किस प्रकार से चल रही है ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये मार्केटिंग के जो है तीन स्वरूप होते हैं। मार्केटिंग यानी जो प्रमोशन होता है ना, मार्केटिंग या प्रमोशन या जिसको हम कैंपेन बोल सकते हैं ठीक है, मार्केटिंग या प्रमोशन या कैंपेन, इसके तीन। कई लोगों को लगता है मार्केटिंग करना है यानी एडवर्टाइजिंग करना यानी ब्रांडिंग करना, ठीक है। सो मार्केटिंग अलग है, एडवर्टाइजिंग अलग है और ब्रांडिंग अलग है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा मेरा वीडियो ब्रांडिंग के ऊपर में और मार्केटिंग के ऊपर में, कुछ बहुत अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर हैं। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर के आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। पर यहाँ पर एक मार्केटिंग का जो आपका घोड़ा है ये बहुत तगड़ा होना चाहिए। मार्केटिंग का घोड़ा आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए अलग बजट आपको रखना ही पड़ेगा। तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का जो पर्पस है, ठीक है,
मार्केटिंग का जो पर्पज है, ठीक है, मार्केटिंग इज द मेन बिजनेस फंक्शन. तो किसी भी एंटरप्रेन्योर का पहला काम है, ठीक है, किसी भी एंटरप्रेन्योर का पहला काम है, ठीक है, कि वो अपने आप को, अपने कंपनी को, अपनी कंपनी की जानकारी मार्केट तक लेकर के जाए. और किसी भी कंपनी का ये काम है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को की जानकारी मार्केट को दे. एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. मेन जॉब ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इज टू प्रमोट और मार्केट हिज और हर बिजनेस, ठीक है. एंड मेन जॉब ऑफ अ बिजनेस इज टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इस चीज को आप गांठ बांध करके रख लीजिए. ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको मार्केटिंग का मुख्य मर्म जो समझ में आ गया. अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं या रन करना चाहते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में आपका मेन जॉब है अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना. यहां बिजनेस की जगह मैं यहां पे कंपनी लिख देता हूं और कंपनी. और मेन जॉब ऑफ एनी कंपनी is to promote its products and services. तो ये हमेशा non-stop, धंधा अच्छा हो तो marketing चलती रहनी चाहिए, धंधा down हो तो marketing चलती रहनी चाहिए. अभी का समय जहां पे पूरा lockdown है, आप बाकी सब कुछ बंद हो, sales भले बंद हो लेकिन marketing तो चलनी ही चाहिए. अभी आप देख रहे हैं कि अभी धंधा बंद है लेकिन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स बराबर आ रहे हैं, टीवी पे मार्केटिंग प्रमोशंस बराबर आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में विज्ञापन बराबर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है. इसलिए वो कंपनीज अभी धंधा बंद है, इसलिए मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि सेल्स कम होने पर किया जाता है. मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसको लगातार किया जाता है ताकि सेल्स में कभी कमी ना हो, या सेल्स अगर शटडाउन भी है तो उसके बाद में सेल्स बरकरार रह सके. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मार्केटिंग के बारे में आप हमेशा जान लीजिए. आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि शटडाउन है फिर भी न्यूज़पेपर में विज्ञापन क्यों आ रहे हैं. बिल्कुल आते रहेंगे क्योंकि वो कंपनियां पब्लिक मेमोरी में, उनका मुख्य काम है अपना, अपनी कंपनी को प्रमोट करना, करेक्ट है. और किसी भी कंपनी का मुख्य काम है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना. सो मार्केटिंग, तो मार्केटिंग यानी, तो ये जो प्रमोशन या कैंपेन, इसके तीन तरह के रूप होते हैं. मार्केटिंग यानी अवेयरनेस क्रिएट करना. मार्केटिंग मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस, बेचना नहीं. मार्केटिंग डज नॉट मीन सेलिंग, मार्केटिंग मीन्स अवेयरनेस क्रिएट करना. जब आप देखते होंगे आपके पास कोई पैम्फलेट आता है, पैम्फलेट में लिखा रहता है खुल गया खुल गया खुल गया, है ना, खुल गया खुल गया खुल गया, फलाना स्टेशनरी दुकान खुल गया, है ना, श्रीवास्तव स्टेशनरी शॉप खुल गया. तो अगेन दिस इज अवेयरनेस, ये मार्केट में अवेयरनेस. यहां पर भी कुछ बेचने की बात नहीं हो रही है, यहां पर जस्ट अवेयर कि भैया सुन लो देख लो, श्रीवास्तव स्टेशनरी भंडार खुल गया, वी आर ओपन फॉर बिजनेस, वी आर रेडी फॉर कस्टमर्स, दैट इज अवेयरनेस. तो फिर अगर मार्केटिंग अवेयरनेस है तो फिर एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग मार्केट का वो रूप है जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मैसेज, मतलब कंपेयर किया जाता है. एडवर्टाइजिंग यानी वहां पर कंपेयर किया जाएगा, ठीक है. अगर मैं कहता हूं यहां पर भिलाई का सबसे उत्तम टेलरिंग शॉप, तो यहां पर क्या है, वो उसने मार्केटिंग तो कर ही दिया है. अब वो अगर बोलता है कि सुरेश टेलर्स इज भिलाई का सबसे उत्तम मार्केटिंग शॉप, मतलब क्या है कि सुरेश टेलर्स के बारे में तो आपको पता है. अब यहां पे कंपैरेटिव, सबसे उत्तम यानी बाकी टेलर्स और भी हैं, हमारा सबसे उत्तम सर्विसेज आपको मिलेगी, सबसे बेहतरीन सिलाई करके आपको मिलेगी, सबसे ड्यूरेबल सिलाई करके आपको मिलेगी. सो एडवर्टाइजिंग मीन्स कंपैरेटिव मैसेज, दूसरों से कंपेयर. अभी आप देख रहे होंगे कि हेयर ऑयल में निहार आमला तेल और डाबर आमला तेल में बहुत कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग चल रही. निहार वाला बताता है कि कैसे डाबर से मेरा बेहतर है, डाबर वाला बताता है कैसे निहार से बेहतर है. अब निहार को हर कोई जानता है, डाबर को हर कोई जानता है,
बट मैं डाबर से बेहतर कैसे हूं, ये हुई एडवर्टाइजिंग, करेक्ट है? तो मुझे एक बात बताइए, पहले मार्केटिंग होगी या पहले एडवर्टाइजिंग होगी? ऑफ कोर्स यस, पहले मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग मैसेज जब पहुंच जाए तब मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करूंगा कि मैं दूसरों से बेहतर कैसे हूं। तो आप जब भी कोई कैंपेन आप देखेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर में, कोई भी जहां पर भी आप देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये अवेयरनेस कैंपेन है या ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। आज ही अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जाइएगा और आप टीवी पे देखिएगा या न्यूज़पेपर में जितने भी विज्ञापन आते हैं आपको देखिएगा, और वो देख के आपको समझ में आ जाएगा ये अवेयरनेस कैंपेन है या एडवर्टाइजिंग कैंपेन है। अवेयरनेस कैंपेन है ना, सिर्फ आपको जानकारी दी जाएगी उस धंधे के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। एडवर्टाइजमेंट है ना, दूसरों से बेहतर मैं कैसा हूं ये आपको बताया जाएगा। और तीसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाना। तो ब्रांडिंग एकदम से नहीं होती, ब्रांडिंग थोड़ा समय लगता है। अब जैसे ब्रूक बॉन्ड इज अ ब्रांड, ब्रूक बॉन्ड बोलते ही एक फीलिंग जनरेट होती है, इतना फेमस हो चुका है, इतनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग उसकी हो चुकी है, और इतनी बार हमने ब्रूक बॉन्ड को यूज किया, इतनी बार कोका कोला को यूज किया, इतनी बार एप्पल को यूज किया, इतनी बार सैमसंग को यूज किया है, इतनी बार हमने एचपी को यूज किया है कि अब उसको लेकर के एक ब्रांड है। हमने इतनी बार अमिताभ बच्चन को देखा है कि अमिताभ बच्चन एक पर्सनल ब्रांड के रूप में हमारे दिमाग में। हमने इतनी बार नरेंद्र मोदी जी को देखा है कि नरेंद्र मोदी एक पर्सनल ब्रांड के रूप में हमारे दिमाग में विराजमान है। तो जब मार्केटिंग कैंपेन पूरा हो जाए और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पूरा हो जाए, सबको आपके बारे में जानकारी हो, तो एक ब्रांड के रूप में, एक दिलो दिमाग के रूप में, ब्रांडिंग यानी सिर्फ नाम ही काफी है। ब्रांडिंग का अर्थ ये होता है कि हमारा, हम अपना कैंपेन इस लेवल, नाम ही काफी। आमिर खान, नाम ही काफी। सद्दाम हुसैन, नाम ही काफी इन अ नेगेटिव सेंस, राइट? काफी हम पॉलिटिशियंस को और ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनका नाम ही काफी है इन अ नेगेटिव सेंस, वो भी एक नेगेटिव पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती। कुछ कंपनियां बदनाम हो गई, नाम ही काफी है भैया, उस कंपनी का सामान नहीं चाहिए, करेक्ट? चाइनीज माल, नाम ही काफी है, हम समझ जाते हैं चाइनीज माल है मतलब शायद क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगेन अपने अपने परसेप्शन की बात है, दिस इज ब्रांडिंग, राइट? सो मेन जॉब हमको समझ में आ गया, मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है और ब्रांडिंग क्या है, ये हमको समझ में आ गया। अब ये जो मार्केटिंग हम करते हैं ये तो हम समझ गए हैं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इसलिए मार्केटिंग पे मैं अलग से ये सब बातचीत कर रहा हूं। मार्केटिंग तीन तरह से की जा सकती है, एक तो अवेयरनेस जिसकी आपको जानकारी है, मार्केटिंग की जाती है कोई ना कोई सर्विसेज के माध्यम से। उदाहरण के लिए एक हॉस्पिटल कैसे मार्केट कर सकता है? एक हॉस्पिटल ये तो नहीं बोल सकता कि भाई अगर बीमार पड़ोगे तो हमारा हॉस्पिटल बेस्ट है। हॉस्पिटल ये तो नहीं कह सकता, हॉस्पिटल बीमारी के बारे में तो नहीं बता सकता, कि हॉस्पिटल तो हमेशा यही बोलेगा कि भगवान करे आप बीमार ना पड़े। तो हॉस्पिटल अपनी मार्केटिंग किस प्रकार से करता है? हॉस्पिटल अपनी मार्केटिंग करता है सर्विस के माध्यम से। यानी फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल एक डायग्नोस्टिक कैंप आपके मोहल्ले में लगा सकता है, किसी एसोसिएशन के साथ मिलकर के लगा सकता है, और वहां पर एक्चुअल डॉक्टर्स जाते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स को सलाह देते हैं, और इस सर्विस के माध्यम से उनकी मार्केटिंग होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मार्केटिंग एज एन अवेयरनेस हमने अभी तक सीखा, मार्केटिंग एज ए सर्विस हमने सीखा। तीसरा हो सकता है मार्केटिंग एज फ्रीबीज, यानी फ्री में सामान देना, सैंपल देना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप मॉल्स में जाते हैं तो वहां हो सकता है आपको रसना वाले मिले, सर ये फ्री सर्विस है, ये शरबत पी के देखिए आपको कैसा लगा। वो बहुत सारे लोगों को शरबत पिलाते हैं, मतलब क्या, यहाँ पर वो एक शरबत का सैंपल दे रहा है, कोई नया फ्लेवर आया है शरबत का, कोई नया फ्लेवर आया है कोल्ड ड्रिंक का, या कोई नया खाने पीने की कोई चीज आ रही, तो जब मैं उसका सैंपल देता हूं वो लोगों को पसंद आता है और फिर वो खरीदते हैं। सो दिस इज अ मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, या मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्री गुड्स, या मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो। कई सॉफ्टवेयर हम जो है डाउनलोड करते हैं तो हमको 7 दिन के लिए फ्री, 7 दिन यूज कीजिए, उसके बाद में अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो अगेन दिस इज मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेशन। आपकी कंपनी की मार्केटिंग कैसी चल रही है, आप इनमें से अलग अलग कौन से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में यहाँ पर बात करता हूँ। तो एक बार और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, आपको देखना पड़ेगा सेल्स का डिपार्टमेंट आपका क्या है, कैसा चल रहा है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है क्या, मार्केटिंग का कैसा चल रहा है, ये सब आप चिंतन मनन करेंगे। सबसे पहले आप खुद पर्सनली कोई एक डिपार्टमेंट पकड़िए, इनमें से जो डिपार्टमेंट आपको लगता है, आपको लगता है कि यार मेरा अकाउंटिंग पूरा गड़बड़ है,
अकाउंटिंग के ऊपर में सबसे पहले काम करना है, तो आप उसमें उतरिए और आपका जो एक विश्वस्त साथी है उसको कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग आप उस व्यक्ति को दे दीजिए, आपने खुद अकाउंटिंग पकड़ा और आपने अपने सीनियर टीम मेंबर को मार्केटिंग दे दिया, और इस तरीके से आपने अकाउंट्स को भी डेवलप किया, मार्केटिंग को डेवलप किया। धीरे 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 आप ये सातों डिपार्टमेंट्स को डेवलप करें, ठीक है, और खुद एक एक करके उसमें से फ्री होते चले, ताकि आपके प्रेजेंस में या आपके एब्सेंस में ये सातों डिपार्टमेंट उतने ही अच्छे से चलते रहे। उसके लिए आपको लोगों को तैयार करना पड़ेगा, लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, लोगों को गलतियां सहनी पड़ेगी। नहीं तो अगर सब कुछ आप अपने हाथ में रख लेते हैं तो ये सातों डिपार्टमेंट में आप मकड़ जाल की तरह फंस जाएंगे और फिर आपकी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये बताने का मेरा पर्पज ये था कि ये सात डिपार्टमेंट आप अपनी कंपनी के किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं ताकि ये सातों डिपार्टमेंट्स ये चले। तो दोस्तों डेली इस प्रकार का वीडियोस मैं अभी 10 दिन तक लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपको क्या पसंद आया यहाँ पर बताइए। इसके ज्यादा विस्तार में मैं जाता हूँ मेरे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जो वेबिनार्स हैं उसमें। आज शाम को 7:30 बजे वेबिनार है, तो वेबिनार में आप आइए। वेबिनार में कौन सी लिंक होगी मैंने यहाँ पे अभी आपको फिर से एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। लेट मी कम बैक यहाँ पर, और ये जो लिंक है वेबिनार, इस पे आप आ सकते हैं। हमारे वेबिनार का नाम है लाइफ चैंपियंस, और वेबिनार में मैं मेरे जो दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूं, जो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूं उनके पूरे डेप्थ में जा करके हम अपनी कंपनी को और खुद को एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सकते हैं। सो दोस्तों आप सबका इंतजार रहेगा आज शाम के वेबिनार में, और कल दोपहर को 12 बजे एक दूसरे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। मैं चाहूंगा यहाँ पर कमेंट्स में आप लिखें कि आपके 3 बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं, वो आप लिखिए। आपके लाइफ के 3 चैलेंजेस क्या हैं, मतलब मिनिमम 3 क्या हैं वो लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। उस प्रकार से मैं अपना कंटेंट डिसाइड करूंगा, आने वाले समय के टॉपिक्स डिसाइड करूंगा, और ये डिसाइड करूंगा कि मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फेसबुक लाइव। आज शाम को 7:30 बजे वेबिनार में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने कस्टमर से अपने क्लाइंट से संवाद बनाए रखिए, और आज शाम को 7:30 बजे वेबिनार में आपसे मुलाकात होगी। डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।